प्रयागराज समेत देश भर में चलेंगी क्लोन एक्सप्रेस ट्रेनें। सर्वाधिक कमाई करती है प्रयागराज एक्सप्रेस। उत्तर मध्य रेलवे की 3 मंडल प्रयागराज, आगरा व झांसी से 76 जोड़ी ट्रेनों की शुरुआत होती है। इसमें से प्रयागराज एक्सप्रेस से वर्ष 2023 में सर्वाधिक 11.27 लाख यात्रियों ने यात्रा की। इससे 83.53 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हालांकि लंबी प्रतीक्षा सूची और टिकट कंफर्म न होने पर स्वतः कैंसिल होने की संख्या भी लगभग सबसे ज्यादा है। नियमित ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी होती प्रतीक्षा सूची को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए रेलवे क्लोन एक्सप्रेस ट्रेनों को नियमित तौर पर अपनी समय सारणी से जगह में देने की तैयारी कर रहा है। विभिन्न यात्री समितियों की सिफारिश के बाद रेलवे बोर्ड के निर्देश पर सभी जोन ने अपनी भारी भीड़ वाली विशेष ट्रेनों के आंकड़े तैयार कर लिए हैं। प्रयागराज में नई दिल्ली से प्रयागराज के बीच चलने वाली वीआईपी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस की भी क्लोन ट्रेन चलाने पर सहमति बन गई है। इसका प्रस्ताव कई बार पूर्व में बोर्ड को भेजा जा चुका है। कुछ साल पहले ट्रायल के रूप में प्रयागराज एक्सप्रेस की क्लोन का प्रयोग सफल भी रहा है। क्लोन ट्रेन संबंधित ट्रेन की जुड़वा होती है, जिनका गाड़ी नंबर और दूरी सब कुछ एक समान होता है। इसमें प्रतीक्षा सूची में रहने वाले यात्रियों को सीट दी जाती है। ओरिजिनल ट्रेन का चार्ट बनने के तत्काल बाद प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को क्लोन ट्रेन में उनकी सीट का नंबर आदि अलॉट कर संबंधित मोबाइल नंबर के जरिए भेजा जाता है। स्लीपर व एसी प्रथम द्वितीय कोच में नहीं रखे जाएंगे। ये क्लोन ट्रेनें सामान्य तौर पर 3 AC कोच से बनेंगी। जिन रेल मंडलों के पास अतिरिक्त कोच हैं, सबसे पहले वहां की सर्वाधिक मांग वाले यात्री ट्रेन की क्लोन की व्यवस्था होगी। इससे ई टिकटिंग वाले वह टिकट जो कंफर्म नहीं होने पर स्वतः ही कैंसिल हो जाते हैं, उस समस्या से यात्रियों को राहत मिल जाए। यात्रियों को यात्रा के लिए सीट मिल जाएगी, रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा। CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि प्रस्ताव पर बोर्ड से जैसे ही आदेश आएगा, प्रयागराज एक्सप्रेस की क्लोन चलने लगेगी।